हेलो एवरीवन, दिस इज नम्रता फ्रॉम एफिनिटी सर्विसेज। आज हम देखेंगे कि हमारे फेसबुक पेज पे, फेसबुक अकाउंट पे हमने जो अपने बिजनेस पेजेस क्रिएट किए हैं, तो वो पेजेस को हमें जब कस्टमर्स मैसेजेस करेंगे, तो उन मैसेजेस का रिप्लाई हम किस तरह दे सकते हैं, ऑनलाइन रह के या ऑनलाइन नहीं रह के, इंस्टेंटली मैसेज करके उनको इंस्टेंटली रिप्लाई दे के, ऑटो रिप्लाई दे के, ये सब मैसेज हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। उसके लिए आगे हमें अपने पहले फेसबुक अकाउंट को लॉग इन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन किया है, वो पेज मैंने लॉग इन किया है, ये मैंने फेसबुक अकाउंट मेरा लॉग इन कर दिया। अभी मैं मेरा पेज ओपन कर रही हूँ, ये मैंने पेज अपना ओपन कर लिया है वॉइस इनवॉइस बिल का। यहाँ पे मैं पेज ओपन कर दिया, यहाँ पे अभी मैं मैसेजेस के सेटिंग्स में जाऊँगी। तो मैसेजेस के सेटिंग्स में जाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है मोर, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिट पेज और एडिट सेटिंग्स, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करके वहाँ पे आगे एडिट का, वहाँ पे आगे मैसेजिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एडिट सेटिंग्स पे जा रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ। एडिट सेटिंग्स का क्लिक करने पे सेटिंग्स का वो सेटिंग्स ओपन हो गया। एडिट सेटिंग्स में मैसेजिंग मैंने ओपन कर दिया। इसमें मैसेजिंग्स में दो मैसेजिंग का टैब से, एक इंस्टेंट रिप्लाई और दूसरा अवे मैसेज। इंस्टेंट रिप्लाई ऑल करने पर क्या होगा कि जो भी कस्टमर और जो भी क्लाइंट रहेगा, अगर उसने हमें मैसेज कर दिया है कि हमारा पेज देखे या फिर हमारे पेज देख के हमें हेलो कर दिया या फिर कुछ भी हमें पेज के लिए रिवर्ट कर दिया, तो उन्हें इंस्टेंटली रिप्लाई देने के लिए हमें ये सेटिंग्स ऑन कर देना कर दे सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो फिर वो जब वो क्लाइंट और कस्टमर हमें मैसेज कर देगा, तो हमें उनके लिए एक इंस्टेंट रिप्लाई हम खुद से एक डिज़ाइन या फिर खुद से लिख सकते हैं कि वो इंस्टेंट रिप्लाई क्या होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी रिसीव योर मैसेज एंड अप्रिशिएट फॉर योर गेटिंग इन टच। आप कोई और भी सकते हैं लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये मैंने ऑन कर दिया तो फिर जब कस्टमर का रिप्लाई आएगा तो उनको ये डायरेक्टली इंस्टेंट मैसेज रिप्लाई जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन है अवे मैसेज। अवे मैसेज मतलब कि लाइक अगर ये मैंने चालू कर दिया तो लाइक बहन मैं अपने पेज से ऑफलाइन हूँ या फिर मैं अपने फेसबुक अकाउंट से ऑफलाइन हूँ, तो फिर ये फीचर यूज़ होता है जब मैं अपने पेज को ऑफलाइन हो और उससे यूज़ नहीं कर रही हूँ, तभी अगर क्लाइंट ने उसको मैसेज दे वहाँ पे उस पेज पे मुझे मैसेज किया है, तो उसे रिस्पॉन्स करने के लिए ये मैसेज रहता है। तो फिर मैं उस समय अपना पेज नहीं यूज़ करे तो क्लाइंट को कुछ तो रिप्लाई चाहिए रहता है, कुछ तो रिस्पॉन्स चाहिए रहता है, तो फिर उस टाइम पे मैं अपना क्लाइंट को ये रिस्पॉन्स कर सकती हूँ कि लाइक यहाँ पे मैं एडिट करके आपको देख सकती हूँ कि दिखा सकती हूँ कि क्या रिप्लाई हम दे सकते हैं कि लाइक थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड एट दिस टाइम, सो वी आर अप्रिशिएट यू इन गेटिंग इन टच। मतलब हम जब भी क्लाइंट हमारा कभी भी मैसेज कर सकता है हमें, लाइक सैटरडे संडे या फिर जब पेज से हम यूज़ नहीं कर रहे हो, तभी फीचर काम आता है। सो इसलिए ये अवे मैसेज कर रहता है। और अदर सेटिंग्स जो भी ऑटो रिप्लाई एंड ऑल, ये सब बहुत सारे सेटिंग्स है मैसेजिंग के लिए, वो हम अपने पीसी से हैंडल कर सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।